नमस्ते, रूमीज किचन में सबका स्वागत है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल चिकन करी। तो चलिए बनाते हैं। करी के लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने यहाँ पे 450 ग्राम चिकन ले रखे हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल रखे हैं 6 टेबलस्पून, और यहाँ पे मैंने राई, सूखा मिर्ची और थोड़ा सा कारी पत्ता रखा है। राई मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून लिया है और 2 सूखा मिर्ची और थोड़ा सा कारी पत्ता रखे हैं। और टोमेटो मैंने आधा टोमेटो को चॉप्ड करके रखा है। मैंने एक बड़ा साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप्ड करके रखा है। अदरक और लहसुन मैंने अदरक 1 इंच अदरक को पेस्ट करके रखा है और 6 कली लहसुन को मैंने ग्रेट करके रखा है। यहाँ पे छोटा सा एक अनियन को मैंने पेस्ट करके रखे है। और मसाला में हमें चाहिए नमक जो स्वाद अनुसार ले लेंगे, और हल्दी पाउडर ले लिया मैंने आधा टीस्पून, मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है आधा टीस्पून, यहाँ पे पेपर पाउडर मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ले लिया है 1/4 टीस्पून, और मैंने यहाँ पे चिकन मसाला पाउडर ले लिया है जो 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने रखा है 1 टेबल स्पून घी, और यहाँ पे मैंने रखा है 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला रखा है बाद में ऐड करने के लिए। और हमें चाहिए नारियल का दूध जो मैंने घर में बना के रखे है। नारियल को पेस्ट करके थोड़ा पानी मिला के, और नारियल का दूध मैंने घर में बना के रखे, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। और चाहिए हमें थोड़ा सा इमली का पाल। चिकन को आधा घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैं जो ये नमक और जो चिकन मसाला पाउडर, जो गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और मिर्च पाउडर और हल्दी सारा इसमें मिला के, और इसको पहले मैं आधा घंटे के लिए, और इसमें प्याज का जो पेस्ट है उसको भी मिला दूंगी, और इसको मिला के आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे, मैरिनेट कर देंगे। गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैं पहले तेल डाल दूंगी। गरम हो गए तो मैं इसमें राई और जो कारी पत्ता और सूखा मिर्ची इसमें डाल दूंगी, और साथ ही साथ में मैं प्याज भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा भून लूंगी, हल्का सा इसको ब्राउन होने तक भून लूंगी। प्याज थोड़ा सा भून गया है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको डाल के भी थोड़ा सा भून लूंगी। अदरक लहसुन भी हल्का भून गया है तो इसमें मैं ये टोमेटो ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा भून लूंगी। इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा भून गए हैं तो अब मैं इसको बिल्कुल कम गैस पे ढक के और थोड़ा सा टेंडर होने तक पकाऊंगी, और बीच बीच में चला देंगे कि ये नीचे लग ना जाए। अब काफ़ी देर तक मैंने चिकन को अच्छे से इसको टेंडर होने तक पका लिया है, तो अब इसमें मैं जो ये नारियल का जो मिल्क है ये ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से पकाएंगे फिर ढक के। गैस पे मैंने पका के थोड़ी देर के लिए ढक के पका लिया है। अब इसमें देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुके हैं, तो इसमें ये जो इमली का पानी जो मैंने ऐसे ही जो इमली भिगो के रखी थी वो वाला पानी मैं इसमें ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा और ग्रेवी होने तक पकाएंगे और फिर इसमें घी और गरम मसाला ऐड करेंगे। अब ये चिकन का जो ग्रेवी है बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और अब इसमें मैं ये गरम मसाला और ये जो घी मैंने 1 टेबल स्पून रखे थे ऐड कर दूंगी, और ये बिल्कुल रेडी टू सर्व। इंडियन स्टाइल चिकन करी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है, अपने घर में बनाइए। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।